तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर ये सब विधियाँ आपको समझ में आ गई तो आगे एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो तैयार है सब लोग? क्योंकि डर इन्हीं से लगता है, प्रतिस्थापन, विलोपन, तुलनात्मक। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक विधि है, बता देते हैं। सबसे ज़्यादा डरावनी विधि है वज्रगुणन, जो नाम से ही डर लग रहा है देख के। और ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी में आती है तो वो आती है ग्राफ में। ठीक, तो इनसे डर लग रहा है? डरना बिल्कुल नहीं है। इनके लिए दो पंक्तियाँ कि अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं संजोया सपना भी हरगिज मत सोने देना, लक्ष्य तुम्हारे कदम चूमने चलकर खुद आएगा, लक्ष्य तुम्हारे कदम चूमने चलकर खुद आएगा, शर्त एक है अपनी बस हिम्मत मत खोने देना, शर्त एक है अपनी बस हिम्मत मत खोने देना। हिम्मत अगर आपके पास है तो चाहे जितनी कठिन से कठिन विधियाँ हो वो सब हम कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्स प्लस टू वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को सभी विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। ठीक, चाहो तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि। देखो ऐसे ही हमने आपको बता दिया था, लेकिन उदाहरण करके आपको नहीं बताया था। ठीक, तो आज आप समझ लो करना कैसे है। ठीक, तो प्रतिस्थापन में हमने आपको बोला था कि किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लेना है या तो y का मान निकाल लेना है, और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। बस इतना काम आपको करना है। ठीक, तो अगर हम इसको मान लें समीकरण एक और इसको मान लें समीकरण दो, तो समीकरण एक से चाहो तो x का मान निकाल लो, चाहो तो y का मान निकाल लो, ये आप पर निर्भर करेगा जो आपको अच्छा लगे। हम चलते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक से, और एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 7। बताओ किसका मान निकालें जो ज़्यादा सही रहेगा, x का निकाल लें या y का निकाल लें? अगर y का निकालेंगे तो 2y बराबर आएगा, फिर 2 नीचे जाएगा भाग में। इससे अच्छा है x का ही मान हम निकाल लें जो ज़्यादा सही रहेगा। तो x का मान क्या आएगा, 2y उधर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो हो जाएगा 7 माइनस, ये आ गया x का मान y के पदों में, और इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो मान आपने निकाला है x का, वो किस समीकरण से निकाला है, एक से निकाला है। तो इसको एक में नहीं रखना है बल्कि दो में रखना है। क्लियर, जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में आपको रखना है। तो x का ये वाला मान कहाँ रखेंगे, एक से निकाला है तो एक में नहीं रख सकते हैं, दो में रखेंगे। समीकरण दो में रखने पर देखो बहुत आसान है, तो हो जाएगा समीकरण दो क्या है, 2x, x की जगह क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 2y।
ठीक, 2x है तो 2 इंटू एक्स, और x की जगह पर आ गया ये वाला मान माइनस y बराबर 4। सरल कर लो इसको, 7 × 14 और 2 × 4, ये 4y हो गया माइनस y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 14 4 और 1 5 माइनस का 5y बराबर 14। अब 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस 5y बराबर 4 माइनस 14, तो ये हो गया माइनस 5y बराबर 4 में से 14 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस हो गए कैंसिल, y बराबर आ गया 10/5, कट जाएगा तो ये y का मान आ गया 2। ठीक, अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, अब आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें ही रखना है। देखो एक में भी रख के हम x का मान निकाल सकते हैं, दो में भी रखेंगे तो भी x का मान निकाल सकते हैं, तीन में रखेंगे तो भी x का मान निकाल सकते हैं। अब इन तीनों में सबसे आसान कौन सा रहेगा अगर हम समीकरण तीन में रख लें, क्योंकि तीन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है x बराबर, है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, x बराबर लिखा ही है तो हमें सिर्फ y का मान यहां रखना है और x का मान आराम से आ जाएगा। तो इन दोनों में ना रख के अगर तीन में रखें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो y का मान कहां रखेंगे, समीकरण तीन में। तीन क्या है, x बराबर है 7 − 2y और y का मान क्या है 2, ये x बराबर आ गया 7 − 2 × 4 यानी x बराबर 3, दोनों मान आ गए, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, यही है आंसर। कौन सी विधि से आया, प्रतिस्थापन विधि से। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो कि सही है या फिर गलत है, इनको चेक कर लेते हैं, जांच एक में कर लें बाकी में नहीं करेंगे। x प्लस 2y बराबर 7, तो x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू यहाँ, ये हो गया x का मान कितना 3 और y का मान कितना 2 बराबर 7 आना चाहिए, 3 + 2 × 4 = 7 यानी 7 = 7, इसका मतलब उत्तर एकदम सही है। ठीक, दूसरे में चेक कर लो, एक में चेक कर लें बाकी तो आंसर पता चल जाएगा कि एकदम सही है। x का मान यहाँ रखेंगे तो 2 × 3 माइनस y का मान 2 = 4 आना चाहिए, 2 × 3 = 6 − 2 = 4 ये आ गया 4 = 4, इसका मतलब ये एकदम सही है, डबल टिक लग गया, इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई, एक समीकरण से या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है, बाकी का काम आप समझ गए। चलिए इसी उदाहरण को हम दूसरे विधि से करेंगे, अब आंसर भी पता चल गया कि x बराबर 3 और y बराबर 2 ही लाना है। दूसरी विधि है विलोपन विधि, समीकरण एक और समीकरण दो। तो चलो इसी उदाहरण को अब हम करेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन में समझ लो करना क्या है,
विलोपन में आपको या तो x को गायब करना है या तो y को गायब करना है। ठीक, अब देखो x को ध्यान से देखो, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2x, इन दोनों को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं? जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे और विपरीत चिन्ह के नहीं होंगे, मतलब इनके गुणांक बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x हो और एक माइनस का हो। चलो मान लो माइनस का नहीं भी है, लेकिन दोनों के गुणांक अगर बराबर हैं तो इनको अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएंगे कैंसिल। और अगर पहले से विपरीत चिन्ह में है तो जोड़ देंगे तब हो जाएंगे कैंसिल। बस यही काम आपको करना है। अगर वाई की हम बात कर लें तो ऊपर है 2y, नीचे है माइनस का वाई। पहले तो इनके गुणांक आपको बराबर करने हैं। ऊपर y का गुणांक है 2, नीचे y का गुणांक है 1। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो ये भी गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देख लो चिन्ह अपने आप में प्लस माइनस है, तो जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। बस ये काम आपको करना है। पहले तो दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक बराबर करने हैं या तो y के गुणांक बराबर करने हैं। ठीक, और जब बराबर हो जाएं तब ये देखना है कि दोनों समान चिन्ह के हैं या विपरीत चिन्ह के हैं। अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ने पर ही कट जाएंगे, और अगर समान चिन्ह के हैं तो घटाने पर कैंसिल हो जाएंगे। ये काम आपको करना है। ठीक, तो विलोपन में पहले हम देख लें किसमें किसको आसानी से हम विलुप्त कर सकते हैं। अगर x के गुणांक हम बराबर करेंगे तो घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक, अगर हम y के गुणांक बराबर कर लें तो जोड़ने से ही काम बन जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसमें अगर हम 2 से गुणा करा लें तो ये 2y और ये 2y बराबर हो जाएंगे, बाद में जोड़ लेंगे दोनों को कैंसिल। तो करना क्या है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2y हो गया, माइनस का 2y प्लस का 2y जोड़ने पर ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो चलो गुणा कराओ इसमें 2 से, तो हो गया 2 × 2 = 4 x माइनस का, इसमें 2 से गुणा कराएंगे 2y, और इसमें जब 2 से कराएंगे तो हो गया 2 × 2 = 8। ठीक, अब समीकरण 1 ला के इसमें जोड़ देंगे, x प्लस 2y बराबर 7, जोड़ने पर ही ये y हो गया कैंसिल। इससे ही कहते हैं विलोपन। बात समझ में आई? अब देखो 4 और 1 = 5x, इधर 8 और 7 = 15, तो x बराबर 15, ये 5 भाग में चला जाएगा नीचे, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, x बराबर आ गया 3। वही आंसर आया, उसमें भी x बराबर 3 आया था। आया समझ में? अब x का मान हम चाहे तो 1 में रख सकते हैं, चाहे तो 2 में रख सकते हैं, जहां आपका मन करे। x का मान कहाँ रखें, इसमें रखें, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 है क्या, x प्लस 2y बराबर 7, और x का मान क्या आया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, रख लो आराम से, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y का आ जाएगा। पक्षांतर करो तो 2y बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस 3, यानी 2y बराबर 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो y बराबर हो जाएगा, ये 2 भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 2 = 4, y बराबर 2, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया
तो ये है विलोपन विधि। ठीक, अब आते हैं अगली तुलनात्मक विधि। हालांकि एक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कर लेते हैं, एक विधि आपको एक्स्ट्रा पता चल जाएगी। ठीक, तो उदाहरण आपका यही रहेगा, अब इसको मिटाएंगे नहीं, सिर्फ मतलब भर की चीज़ मिटा दें जिससे समय ज़्यादा ना लगे। इसी उदाहरण को करना है, किस विधि से? तुलनात्मक विधि, तुलना करनी है बस। चलो, तुलनात्मक विधि में क्या करना है, हमने बताया था आपको कि समीकरण एक से x का मान निकाल लेना है, तो समीकरण दो से भी x का मान निकालना है, फिर दोनों की तुलना करनी है। अगर आपका मन करे तो समीकरण एक से y का मान निकाल लो, फिर दो से भी y का मान निकाल लो, फिर दोनों की तुलना करा लो, यानी दोनों मान एक जैसे निकालने हैं। तो किसका निकालें यहाँ पर, चलो x का निकालते हैं। ठीक, समीकरण एक से, ध्यान रखिएगा, अगर एक से आप x का मान निकाल रहे हो तो दूसरे से भी x का ही निकालना है। समीकरण एक है x प्लस 2y बराबर 7, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 2y, इसको हमने मान लिया समीकरण तीन। अब समीकरण दो से भी हम x का मान निकालेंगे, दो क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4, तो 2x बराबर क्या होगा, 4 प्लस वाई, यानी x बराबर 4 प्लस वाई बटे 4। इतनी बात समझ में आई, समीकरण एक से x का मान निकाल लिया y के पदों में, समीकरण दो से भी x का मान निकाल लिया y के पदों में। अब ध्यान से देखो, ये दोनों मान किसके हैं, x के हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, अगर x का मान है 2 और y का मान भी है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y बराबर हैं आपस में, है ना। या फिर ऐसे कर लो, अगर x बराबर है a और x बराबर है b, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आपस में बराबर है। समझ में आई बात, अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, ये तय है। देखो, इनका एक साइड, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यहाँ पर दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इसी तरह यहाँ देख लो, इन दोनों का एक साइड बराबर है x और x, यानी x का मान ये है और x का ही मान ये है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को कहते हैं तुलना करना। तो समीकरण तीन और चार से हमें क्या मिलेगा, समीकरण तीन और चार तुलना कर लेंगे तो हमको ये दोनों बराबर मिल जाएंगे। बात समझे, 7 माइनस 2y बराबर 4 प्लस वाई बटे 2, हल कर लेंगे, y का मान आ जाएगा, 2 का गुणा इधर होगा, 7 दुनी 14 और 2 दुनी 4y बराबर 4 प्लस वाई, अच्छांतर करेंगे y उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4y प्लस वाई, 4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 4, 4 और 1 5y बराबर 10, तो y बराबर 10 बटे 5, 5 दुनी, यानी y बराबर आ गया 2। अब y का मान चाहे यहाँ रख लो, फिर यहाँ रख लो, या कहीं भी रख लो, जहाँ ज़्यादा आसान हो, यहाँ पे हमको ज़्यादा आसान लग रहा है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस 2, वाई वाई का मान 2, यानी x बराबर 7 माइनस 4, x बराबर आ गया 3, फिर वही आंसर आया, x बराबर 3 और y बराबर 2।
ये है तुलनात्मक विधि। समझ में आई? समीकरण एक से x का मान निकालना है, तो फिर दो से भी x का मान निकालना है, फिर दोनों को बराबर करना है, यानी कि तुलना करनी है। अगर आप चाहो तो समीकरण एक से y का मान निकाल लो और समीकरण दो से भी y का मान निकाल के फिर तुलना करा लो, काम आपका वैसे ही हो जाएगा। तो ये वाली विधि भी हो गई। अब आते हैं सबसे कठिन विधि, जो लगती है वास्तव में है नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। चलो इसको पहले समझ लेते हैं कि वज्र गुणन विधि में वास्तव में करना क्या होता है। वज्र गुणन विधि, मान लो आपके पास दो समीकरण हैं, एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ठीक, ये समीकरण एक है, और दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो इन दोनों में वज्र गुणन विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, ये समझो। करना क्या है, वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनका इससे, इनका इससे, ठीक। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे x, ठीक, फिर y इसी तरह से, और फिर यहाँ पर अचर, अचर के लिए 1। तीन पद हैं, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर राशि। तो x, y और अचर के लिए 1। फिर चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, इतना समझ में आ गया। अब इनके नीचे जो लिखना है वो ध्यान से देखो, इनके नीचे यानी x के नीचे लिखना है, तो x को हम बंद कर लेंगे, ठीक। x को जब बंद करेंगे तो हमें करना है बाकी जो बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे मान लो a b c और d, ये चार लोग हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक, ऊपर वाले सिरे से, इनका गुणा इससे। पहला काम ये हो जाएगा आपका, और फिर वापस जाएंगे इधर, क्रम आप ध्यान से देख लो किस क्रम में करना है, फिर यहां पहुंचे, फिर इनका गुणा इससे, ये काम आपको करना है। एक ऊपर से शुरुआत करेंगे, ए का गुणा डी से होगा, फिर ऊपर जाएंगे, सी का गुणा बी से होगा, बीच में लगेगा माइनस। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो एक्स के नीचे अगर आपको लिखना है, तो एक्स को हमने कर लिया बंद। अब बचे गुणांक कौन कौन से, बी वन बी टू सी वन सी टू, इसी नियम से आपको करना है। तो कैसे होगा, बी वन का गुणा सी टू से, बी वन सी टू माइनस, इनका इनका हो गया। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, इधर से ऊपर से नीचे, फिर इधर ऊपर से नीचे करना है, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब आ जाओ वाई के नीचे, वाई के नीचे लिखना है, तो वाई को हम बंद कर लेंगे। जब वाई को हम बंद करेंगे, तो हमारे पास ए वन ए टू सी वन सी टू बचेंगे। फिर काम आपको इधर से ही शुरू करना है, ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू, ठीक, ए वन का गुणा सी टू से, यही क्रम आपको करना है, ए वन सी टू माइनस, फिर ऊपर जाएंगे सी वन ए टू, हो गया। अब इसके नीचे आएंगे, तो अचर वाले पद को बंद कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे, ए वन ए टू बी वन बी टू,
इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A1 का B2 से माइनस B1 का A2 से। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही है फार्मूला वज्रगुणन विधि का, समझ में आया? तो अगर ये फार्मूला आप यूज करना चाहते हैं, इसके लिए भी देखो एक ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या है, एक्स का गुणांक क्या होता है, ए, तो ए से नहीं मतलब है, फिर बी और सी बचे, तो इसको लिखने का तरीका एक्स वाई वन, ठीक, प्लस माइनस पता है, प्लस माइनस प्लस। देखो एक्स का गुणांक होता है ए, वाई का होता है बी, और यहाँ होता है सी। एक्स के नीचे लिखना है तो ए को छोड़कर जो बचे, ए को नहीं लिखना है, एक्स का एक्स ऊपर है ना, ए को छोड़कर क्या बचा, बी और सी। तो हम लिखेंगे बी और सी, फिर उसके बाद माइनस सी और बी, उल्टे क्रम में लिख लेंगे। ए को छोड़कर क्या बचे, दो, बी और सी, बी और सी लिख लिया, और फिर माइनस उल्टे क्रम में सी और बी, यहाँ जाओ वाई के नीचे, बी को छोड़ करके कौन से बचे, ए और सी। तो पहले तो सीधे क्रम में लिखेंगे ए और सी, और माइनस उल्टे क्रम में सी और ए, सी में आ जाओ, सी को छोड़ करके बाकी कौन से बचे, ए और बी, तो ए और बी को लिख लेंगे माइनस उल्टे क्रम में बी और ए, सब में वन टू वन टू कर लेंगे, वन टू वन टू वन टू वन टू। तो ये है याद करने का एक तरीका, आराम से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक। चलो अपना क्वेश्चन करते हैं। अब इसको करने के लिए जो भी समीकरण दी गई हैं उन्हें इसी रूप में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है, तब तुलना करेंगे तब A1 B1 C1 का मान आएगा, फिर उन मान को वहाँ पे रख देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आपको ये याद हो जाएगा। उदाहरण हमारा क्या था, x प्लस 2y बराबर 7, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम सामान्य वाले क्रम में लिख लें, उसी रूप में, इस रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में लिखेंगे तभी तुलना करेंगे तभी a1 b1 c1 का मान आएगा, ठीक। तो इसको लिखा, तो इसको पक्षांतर करके हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये है समीकरण एक। अब इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, इसके सामान्य सूत्र से। से तुलना करने पर तो A1 कितना आ गया, A1 का मान 1, B1 का मान 2, और C1 का मान -7, इतना काम हो गया। अब दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 4, इसको भी हम उसी रूप में पहले लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये है समीकरण दो। इसके तुलना किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 कितना आ गया, 2, यानी x का गुणांक कितना है, 2। b2 कितना आ गया, -1, यहाँ -1 है, और c2 का मान है -4, ठीक, समझ में आया। अब वज्रगुणन विधि से,
थोड़ी जगह कम पड़ेगी इधर। क्या लिखना है आपको? x अपान y अपान 1 अपान, ठीक। अब तो याद हो गया होगा x का गुणांक क्या होता है, a। a को छोड़कर बाकी बचे कौन, b और c माइनस, तो b और c को लिख लेंगे, इनका उल्टा क्रम c और b। y का गुणांक क्या होता है, b, तो b को छोड़ दो तो बचे क्या, a और c, तो a और c को लिखेंगे माइनस c और a, इनका उल्टा क्रम। 1 का गुणांक c, c को छोड़कर बाकी क्या बचे, a और b, तो a और b को लिखेंगे माइनस b और a को लिखेंगे। फार्मूला याद हो गया, फिर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। x के नीचे b1 का मान 2, c2 का मान -4, माइनस c1 का मान -7, b2 का मान -1। और ध्यान से देखिएगा, एक को माइनस इधर उधर हुए फिर आंसर आएगा नहीं। माइनस y के नीचे देखो a1 का मान 1, सब मान निकाले रखे हैं, c2 का मान -4, माइनस c1 का मान -7, a2 का मान 2, 1 के नीचे a1 का मान 1, b2 का मान -1, माइनस b1 का मान कहाँ गया 2, और a2 का मान भी 2। तो यहां से समीकरण 1 से हमने a1 b1 c1 निकाला रख दिया, और समीकरण 2 से भी a2 b2 c2 के मान जो है वो वहां पर रख दिए। अब इनको हल कर लेना है बस। तो ये हो जाएगा x अपान, ये हो गया 4 और 2 -8, ठीक। और ये यहाँ पर 3 माइनस है, 1 2 3, तो इनका गुणनफल भी माइनस में ही आएगा, 7 एकम 7, ऊपर है माइनस, नीचे देखो 4 एकम 4 यानी -4, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 7 दुनी 14। इधर 1 अपान, ये हो गया माइनस का 1 और 2 दुनी 4। कहीं से कोई समस्या अभी तक नहीं ना? चलो और थोड़ा सरल करो, ये हो गया 8 और 7 15, माइनस वाई बटे ये घट जाएगा 10, और ये 1 बटे -5, ठीक, सरल हो गया। अब इनमें क्या करेंगे, दो दो को बारी बारी से हल करेंगे। देखो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो एक बार हम x वाले पद को इसके साथ लेके चलेंगे, और एक बार y वाले पद को इसके साथ लेके चलेंगे। x को लेके चलेंगे x का मान आ जाएगा, y को लेके चलेंगे y का मान आ जाएगा। यदि ये वाला और ये वाला बराबर हो, x बटे -15 बराबर 1 बटे -5, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, कैंची गुणा 5x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तें 15, x बराबर आ गया
तीन, ठीक। यदि ये दोनों बराबर हों, यदि माइनस वाई बटे दस बराबर एक बटे माइनस पाँच, इधर भी माइनस दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाँच वाई बराबर दस, तो वाई बराबर दस बटे पाँच, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, वाई बराबर आ गया दो। अतः एक्स बराबर तीन और वाई बराबर तो ये है सबसे खतरनाक विधि। अब एक लास्ट मेथड है, वो है ग्राफीय विधि यानी ज्यामितीय विधि। ग्राफ में हम दोनों समीकरणों से दो रेखाएं बनाएंगे और वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, वो बिंदु उन दोनों रेखाओं का या उन दोनों समीकरणों का हल होगा। x प्लस टू वाई, उदाहरण हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 4। ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक। ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे दोनों रेखाएं कैसे बन रही हैं। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो एक हल होगा, अगर एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी तो बहुत सारे हल होंगे, और अगर एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। चलो, किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले समीकरण एक की हम बात करेंगे, इसको हमने मान लिया समीकरण एक और इसको मान लिया दो। समीकरण एक से x प्लस टू वाई बराबर सात, तो यहां से x का मान निकालो, x का मान हो जाएगा 7 माइनस 2y, ठीक, या फिर y का निकाल सकते हो जो आपको सही लगे। x का आसान है, 2y पक्षांतरों के चला गया, 2 से भाग नहीं करना पड़ेगा, अगर y का करते फिर 2 से भाग करना पड़ता। अब देखो, हमें x और y के कम दो दो मान चाहिए, ठीक, कम से कम दो दो। तो यदि x बराबर अगर हम क्या मान लें, कोई ऐसा मान y का यहां पर रखो, यदि y बराबर y का कोई मान यहाँ पे रखो जिससे x का मान आ जाए। अगर हम y बराबर एक रख लें यहाँ, y बराबर अगर एक यहाँ पे रखें तो हो जाएगा दो एक कम दो, पाँच में से दो गया, x बराबर पाँच आ जाएगा एक बिंदु। समझ में आई बात? यदि y बराबर एक तो x बराबर क्या हो जाएगा, सात माइनस दो गुणे एक, यानी x बराबर हो जाएगा पाँच, ठीक। तो इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, यदि y बराबर एक तो x बराबर आ जाएगा पाँच, ठीक। और दूसरा कोई y का मान रखो, अगर y बराबर हम यहाँ रख दें दो, तो हो जाएगा दो दुन्नी चार, चार घटाएंगे सात से तो आएगा तीन,
यदि y बराबर 2 तो x बराबर आ जाएगा 3, है ना। तो एक टेबल बन गई x और y के मान की। ये है y और ये है x। चलो x ऊपर लिख लें, x बराबर है 7 - 2y और ये है y। तो x का मान क्या है? अगर x का मान 5 है तो y का मान 1 है, अगर x का मान 3 है तो y का मान 2। ठीक, दो दो मान पता चल गए समीकरण एक के लिए। ठीक, तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दिखा सकते हैं, और इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कौन सी होगी? समीकरण एक। तो इधर हम बनाएंगे इसका ग्राफ। चलो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला बिंदु कौन सा है? 5, 1। एक्स का मान 5 और वाई का मान 1। तो एक्स पर जाएंगे हम, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स पर 5, 1, 2, 3, 4, 5 और वाई का मान 1, यानी ऊपर 1। ये बिंदु हो गया 5, 1। ठीक, एक बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु क्या है? 3, 2। एक्स का मान 3 और वाई का मान 2। तो एक्स का मान 3, 1, 2, 3 और वाई का मान 2, 1, 2, यानी यहां पर। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो जो रेखा बनेगी ये बिंदु है 3, 2। तो ये रेखा कौन सी है? ये पहली रेखा है x प्लस 2y बराबर 7। इससे दो बिंदु हमने निकाल लिए और उन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित किया और उनसे एक रेखा खींच दी और वही रेखा हो गई समीकरण एक। अब समीकरण दो से भी इसी तरह से मान निकाल लें। समीकरण दो से दो क्या है? 2x - y बराबर है 4। यहां से किसका मान निकालें? यहां से y का मान फिर निकाल लें, यहां से y का निकाल लें। तो ये हो जाएगा y उधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यानी y बराबर 2x - 4। ठीक, अब इसमें x के मान आप रखो जिससे y के मान आ जाए, वो भी पूर्णांक में, जिससे हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यदि x बराबर हम क्या रखें यहाँ पे? अगर हम 2 रखेंगे, ठीक, तो 2 × 4 y बराबर 0 आ जाएगा। रखें, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा? तब -4 आ जाएगा। नहीं, x बराबर 2 रखें, यदि x बराबर 2 तो 2 × 4, 4 - 4 y बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर, ठीक, एक मान आ गया। और यदि x का मान हम रख दें यहाँ पर 3 या 4 रख ले, चलो x का मान 4, 4 × 8, 8 में से 4 गया, 4 आ गया, यानी x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो y का मान भी आएगा 4।
एक्स और वाई बराबर है 2x-4। एक्स का मान अगर 2 है तो वाई का मान 0, एक्स का मान अगर 4 है तो वाई का मान भी 4। तो इस समीकरण से भी हमें दो बिंदु पता चल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पे बनाएंगे। एक है 2,0, एक्स पर 2 और वाई पर 0, यानी यही बिंदु होगा 2,0, एक हो गया। दूसरा 4,4, ये कहाँ होगा? एक्स पर 4, 1, 2, 3, 4 और वाई पर भी 4, 1, 2, 3, 4, ये वाला बिंदु है 4,4। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से रेखा बनेगी, ठीक, 4,4 और 2,0 से। ये रेखा है आपकी कौन सी? 2x-y=4। रेखा, ये वाली रेखा 1 है और ये वाली रेखा 2 है। रेखा 1 व 2 का ग्राफ बनाने पर हम ये देखते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कौन से 3,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। तो यहीं से पता चल गया, अतः एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, यही इन दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। आ गया, देखो ग्राफ बनाया तो ग्राफ से भी हमें एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 ही प्राप्त हुआ। अब बात समझ में आई? तो चाहे आपको प्रतिस्थापन विधि से करना हो, चाहे विलोपन विधि से करना हो, चाहे वज्रगुणन विधि से करना हो, तुलनात्मक विधि तो है नहीं, अगर उससे भी करना हो, या फिर आपको ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि से करना हो, तो आप दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं और उनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया?